सात सेंटीमीटर ब्यास वाले एक बेलन के आकार के कटोरे में सूप दिया जाता है सूप का मतलब होता है सब्जी ठीक है सब्जी वेजिटेबल मतलब जो पीने योग्य होती है, उसको सूप बोलते हैं ठीक है आगे कहता है इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू आ हाइट ऑफ फोर सेंटीमीटर हाउ मच सूप द हॉस्पिटल पेशेंट कहने का इनका यह मतलब है कि यदि ये कटोरा सूप से चार सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में 250 रोगियों को प्रतिदिन इतना सूप तैयार किया जाता है कि ढाई रोगियों को दिया जा सके जैसे मान लो ये मग्गा इसमें मान लो सूप दिया जाता है तो पूरा भर के तो दिया नहीं जाएगा मुच्छा -मुच्च के बहरे बहेगा नहीं ना इतना अगर ये लंबा है हा? तो इतना तक मान लो भरा जाता है इतना खाली रहता है ठीक है तो इनका कहने का यह मतलब है कि चार सेंटीमीटर जो है वो भरा जा रहा ऊपर तक तो ये बताओ ढाई सौ रोगियों के लिए कितना सूप बनाया जाता होगा कितना बन रहा होगा अब आगे बात करें कैसे होगा ये देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन उसके पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं पहले आप फिगर देखो स्क्रीन पर फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ये देखो मान लो सिलेंड्रिकल बाउल बन गया ठीक है लेकिन यहाँ पर ध्यान देना मेरा कटोरा थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया रोगी खा के मोटा हो जाएगा इसमें तो फिर भी जो भी है कह रहा है इसे फोर सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता था तो मान लो कि चार सेंटीमीटर इतना ऊंचा है हा? यहां तक मान लो इस कटोरे को भरा जा रहा है रोगी को खिलाने के लिए समझना ये सिलेंड्रिकल है कह रहा है कटोरा वैसे कटोरा जो है सिलेंड्रिकल नहीं होता छिछला होता है लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो बा, वो बाउल बा, है वो क्या है सिलेंड्रिकल है मतलब मग्गा जैसे है डिब्बा जैसे ठीक है आगे इसमें कहता मेरे भाई कि इसका जो ब्यास है डी वो सेवन सेंटीमीटर है ऐसे कुछ पूछ रहा था ना क्वेश्चन एक बार देख लो कह रहा कि सात सेंटीमीटर ब्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है यानी इसका जो डायमीटर है वो कितना है सेवन सेंटीमीटर है कितना है सेवन सेंटीमीटर है कटोरे का ब्यास तो जो जो दिया है पहले लिख लेंगे लिखो गिबेन हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिबन d इक्वल सेवन सेंटीमीटर आप हिंदी वाले लिख लेंगे हिंदी वाले भी डी ही लिखेंगे इसे चाहे तो ब्यास लिख लें हिंदी में तो बेबू भैया आर इक्वल कितना हो जाएगा सेवन अपॉइंट टू सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या जो है वो ब्यास का आधा होती है इसमें कोई बताने की बात नहीं है और इसकी हाइट दिया है यच फोर सेंटीमीटर दिया है ठीक है बहुत ही आसान है कह रहा है कि निकालिए कि दो सौ पचास पेसेंट को खिलाने के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा तो पहले तो एक रोगी का हिसाब कर लो ना कि एक रोगी कितना खा रहा है उसका बैलूम निकालो तो पहले एक का निकालेंगे लिखो बैलूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट बैलूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट हिंदी में लिखेंगे एक रोगी के लिए <coughs> एक रोगी के लिए आवश्यक सूप का आ, देखो हिंदी में भी सूप ही लिखा है क्या क्वेश्चन में देखो इंग्लिश में नहीं लिखा सूप ही लिखा है हिंदी में ही ठीक है सूप मतलब सब्जी होती है आवश्यक आगे लिखो आवश्यक सूप का आयतन बराबर ठीक है आवश्यक स्तूप का आयतन बराबर तो ये आयतन आप कैसे करोगे भाई बेलन के आकार का है सिलेंडर आकार का है ना तो जो बेलन का आयतन होता है वही लगा दोगे पाई, ह। पाई आर स्क्वायर एच पाई का मान बाईस बटा सात आर का मान कितना है रेडियस कितना है सेवन अपान टू रख दो स्क्वायर है तो आप सेवन अपान टू दो बार एच मतलब हाइट कितना है फोर हल कर लीजिए दो दूना चार दो से ये कट गया सेवन से ये कट गया फाइनल में आपका सात में दो में गुड़ा हो जाएगा सॉरी सात का बाईस में तो वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर क्यूब आएगा हमेशा जो बेलूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है ये हो गया वन रोगी के लिए ठीक है मेरे भाई अब क्या करोगे आप इस तरह से दो सौ पचास रोगियों का निकालोगे नीचे लिख लो चाहे तो लिखो दो सौ पचास रोगियों के लिए आवश्यक सूप का आयतन बराबर क्या करोगे जितना आया उसको दो सौ पचास से मल्टीपल कर दोगे ठीक है तो मेरे भाई वन रोगी के लिए वन फिफ्टी फोर आया है दो सौ पचास से इसको गुड़ा करोगे तो ये अड़तीस हजार पाँच सौ सेंटीमीटर क्यूब आएगा समथिंग देखो अगर इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे नीचे चाहे कहीं लिख लो समझो पहले पहले इसको ऐसे हल करना है पूरा पूरा यहाँ तक उसके बाद ये करना है सेकेंड पार्ट में इधर वाला ठीक है बाबू उसके बाद आप चाहे तो लिख लो आप बैलूम इन लीटर इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ लास्ट में फाइनल में तो लीटर में कैसे करोगे लिख लो चाहे तो आ, लीटर में बदलने के लिए बैलोमिन लीटर आप इसे एक हजार से भाग दे दोगे अड़तीस हजार पाँच सौ को एक हजार से भाग दे दोगे लीटर में बदलना तुम सबको आता है दो तो जीरो से दो जीरो कट जाएगा आपका ये तो ये आपका थर्टी एट पॉइंट फाइव लीटर आएगा समथिंग यानी अड़तीस दशमलव पाँच लीटर जो है डेली तैयार किया जाता है ढाई सौ रोगियों के लिए लिख लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए कोई डाउट है तो बताइए इस तरह से आपका बेटा एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सिक्स कंप्लीट हुआ अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा कहीं जाइएगा नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा थर्टीन पॉइंट सेवन नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवन बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है क्लास नाइन्थ एनसीआर कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू आपको अपान लेना है मतलब अगर पाई का मान क्वेश्चन में कुछ और रखने को कहा गया है तब तो ठीक है अन्यथा आप ट्वेंटी टू अपान सेवन का यूज करेंगे क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है आसान है तो मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में आपके सामने लिखा है कह रहा है फाइंड द बैलूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ रेडियस पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट ट्वेल्व सेंटीमीटर क्या यही क्वेश्चन है पहला हाँ इसमें दो पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये दिया है ठीक है दो पार्ट दिया है बाबू इसमें पहला पार्ट जो है आपका सिक्स सेंटीमीटर रेडियस है हाइट सेवन सेंटीमीटर है ठीक है सेकंड वाले में थ्री पॉइंट फाइव रेडियस है एंड हाइट है ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो कैसे करोगे बहुत इजी है लिखो गिबेन लिखिए फटाफट गिबेन जो गिबेन है लिख लो आ, देखो बाबू क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट गिवन में आप लिखो रेडियस दिया है कितना दिया रेडियस सेंटीमीटर ना हाइट कितना दिया भैया सेवन सेंटीमीटर आओ चलो क्या निकालना है बैलूम ऑफ कॉर्न लिखो बैलूम ऑफ कॉन इक्वल वन अपान थ्री पाई आर स्क्वायर एच सारेलूम इसमें जो भी वैल्यू दिया पुट करिए फटाफट सारे मान रख दीजिए बस आसान है यार बहुत आसान ही जी है देखिए वन अपान थ्री ठीक है इनटू पाई कमान ट्वेंटी टू अपान सेवन रखने को ही कहा गया है आर मान छः दिया है स्क्वायर है तो दो बार रख देंगे हाइट सेवन दिया है सेवन से सेवन कैंसिल हो गया फ्री से ये कैंसिल हो गया सिक्स टू जा ट्वेल्व बारह आ गया ना बारह भाई ए, सिंपल में ये आपका बच रहा है ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर का फोर टू आया ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स यानी ये इतना आया ये क्या आ रहा है बैलूम आ रहा है ना तो बैलूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है हो गया आंसर इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट फट से कर लेंगे चलिए जल्दी करिए नेक्स्ट पार्ट इसमें भी सारे मान रखिए फटाफट सेकेंड वाले में देखिए रेडियस अलग है और हाइट भी अलग है वन अपान थ्री पाई का मान रख दीजिए ट्वेंटी टू अपान सेवन ट्वेंटी टू अपान सेवन रेडियस का मान इसमें थ्री पॉइंट फाइव रखोगे इंटू थ्री पॉइंट फाइव हाइट इसमें दी गई है ट्वेल्व सेवन से इसको काटोगे जीरो फाइव आएगा इतना तुम्हें पता ही है भाग दे के देख लेना नहीं आता तो हाँ देखो तीन से कट जाएगा ये तीन चौक बारह ऊपर बच रहा है ट्वेंटी टू जीरो पॉइंट फाइव एंड ये थ्री पॉइंट फाइव एंड ये फोर बच रहा है देखो इसमें सिस्टम से गुड़ा करोगे तो आसान हो जाएगा जैसे ये बाईस ऐसे रहने दो जीरो पॉइंट फाइव का कूड़ा चार में करो करके देख लो चाचा जीरो पॉइंट फाइव का गुड़ा जब तुम फोर में करोगे तो बीस आएगा एक अंक पर दशमलव लगाओगे दो हो जाएगा यानी कहने का मतलब क्या मतलब इन दोनों का गुड़ा करने के बाद सिर्फ दो आएगा बस ये और ये थ्री पॉइंट फाइव देखो कितना आसान बन रहा है ना ये साढ़े तीन है साढ़े तीन का दूना करोगे सात हो जाएगा कितना हो जाएगा सात तो इसको तुम बाईस गुड़ा सात कर सकते हो देखो दशमलव का पूरा कहानी खत्म सात दुना चौदह का चार सात दुना चौदह एक पंद्रह ये सेंटीमीटर क्यूब कितना आसान था ना सिर्फ तरीका सही लगाओगे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है अगर तुम इसको इससे कूड़ा कर देते और इसको इससे कर देते तो ये उलझ जाता दस हमलों में हो जाता आंसर इतना ही आता लेकिन तुम्हें झेलना ज्यादा पड़ता तो अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करो और अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट लाइक करो बच्चा देर ना करो आपकी जिम्मेदारी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइजीन पॉइंट सेवन और कैपेसिटी इन ऑफ विजल देखो मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको हिंदी में अभी आप थोड़ा नजरें गड़ा के रखो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी हाइट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है एंड रेडियस आपको क्या दिया है सेवन सेंटीमीटर यहाँ पर एक चीज ध्यान देना चाचा कि हाइट नहीं दिया ऊंचाई नहीं दिया है तिर ऊंचाई दिया है हाइट जिसे बोलते हैं शंकु के आकार के उस बर्तन की मतलब जो बर्तन है मेरे भाई वो शंकु के आकार का है मतलब वो बर्तन कुछ ऐसा है समझना कुछ ऐसा है जिसका कह रहा है कि ये चीज पच्चीस दिया है पचीस ये मीटर सेंटीमीटर का दिया है और इसका रेडियस मतलब त्रिज्या ये दिया है ये कितना दिया है सेवन सेंटीमीटर ठीक है समझना क्या कह रहे हैं कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए अब समझना इसका लीटर में धारिता कैसे करोगे समझना मगर प्यार से देखो आपको अगर धारिता निकालनी है शंकु का आयतन निकालना है तो सबसे पहले आपको Uh, क्या क्या पता होना चाहिए पता है एच भी पता होना चाहिए ना हाइट एच कैसे पता चलेगा एच के लिए हम इसमें पाइथागोरस परमिया लगाएंगे देखो ये शंकु है तो इसकी हम पहले ये रियल ऊंचाई ज्ञात करेंगे ये ये मान लो यच है समझना अब हमें अगर ये दिया है ये दिया है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमें लंब नहीं पता तो हम लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस परमिया से ये तुम्हें पता है ना पता है ना सबको तो चलो यहाँ से हम इसको निकाल के रख देंगे सबसे पहले यही निकालेंगे तो यच इक्वल हो जाएगा आपका क्या जानते हो पाइथागोरस परमीय से अंडर रूट इसको अगर यल बोलते हैं बोलते है नहीं यल होती है या आर होता है ठीक है तो यल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होता है समझ में आया ना आपको भाई सारा मान रख दो बाबू क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से फटाफट इसमें कोई डाउट है किसी को कोई लफड़ा है तो बता दो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी एक पैसे का चलो आगे बढ़े यल 25 का ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर ये स्क्वायर है ध्यान देना ये 625 सौ पच्चीस माइनस फोर्टी नाइन सब ट्रेक करोगे पांच सौ आएगा इक्वल ट्वेंटी फोर आएगा कितना आया चौबीस तो हाइट कितना हो जाएगी आपकी चौबीस ना इसमें कोई डाउट किसी को नो डाउट अब देखो क्या करना है हमें बैलून निकालना है आयतन निकालना है ना मेन वही था लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता कीजिए ना तो आप लिखोगे शंकु का आयतन बराबर या फिर शंकु की धारिता बराबर वही बात हुई ठीक है या शंकु संकुआकार बर्तन की धारिता बराबर ऐसे लिखो हिंदी वाले शंकुआ बर्तन की धारिता बराबर ठीक है इंग्लिश वाले लिखोगे वेल्यूम ऑफ कॉन इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं रहता इंग्लिश में ओके सारे मान पुट कर दीजिए वन अपॉन थ्री इन टू पाई कमान ट्वेंटी टू अपॉन सेवन रेडियस मान सेवन दिया था ऑलरेडी हाइट मान अभी अभी मैंने निकाला है ट्वेंटी फोर अरे भाग गया रे बाबा रे निकल गया ये तो रे दया रे दैया कैसे होगा ये तो उधर चला गया आ, क्या करूँ मैं अब मैं कैमरा बैक करके दिखाऊंगा आपको रुको जाना नहीं आइए हल कर देते हैं कोई बात नहीं है मैंने इसको दिखा दिया पूरा जो हट रहा था भाग रहा था और चलो देखो अब देखो इसको तीन से काट देंगे तीन अट्ठे चौबीस ये सात से सात कैंसिल हो जाएगा इक्वल ट्वेंटी टू इंटू सेवन इंटू एट सबका गुड़ा कर लो आप आंसर आपका आ जाएगा फटाफट इसमें कोई बड़ी बात है नहीं बारह सौ बत्तीस आएगा लगभग कूड़ा करके देखो आठ सत छप्पन बारह सौ बत्तीस आएगा सेंटीमीटर क्यूब रहा था लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए मेरे भाई क्वेश्चन में देखो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल विजल विथ रेडियस एंड जो भी डिटेल दिया था ओके तो लीटर में क्या करोगे बैलूम इन लीटर आ, हिंदी वाले लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे संकुआकार बर्तन की लीटर में धारिता बराबर लीटर में धारिता बराबर इसको बारह सौ बत्तीस इसको एक हजार से भाग दे लोगे इक्वल हो जाएगा वन पॉइंट टू थ्री लीटर लगभग में ठीक है या वन पॉइंट टू लीटर लिखोगे सीधा फीदा और साफ साफ रहेगा वन पॉइंट टू लीटर हो गया आंसर फटाफट छाप फट लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा इसमें आप एक काम और भी कर सकते थे आप मैंने थोड़ा सा साठ ज़्यादा कर दिया आप स्टार्टिंग में आर बराबर और यल बराबर लिख सकते थे ठीक है गिवन लिख के मैंने नहीं लिखा यहाँ पर आप आर इक्वल सेवन और यल इक्वल ट्वेंटी फाइव ये गिवन में लिख सकते थे शुरू में चाहें तो ऊपर लिख लीजिए जैसे मैं सब में लिखता हूँ ठीक है पार्ट दिखाओ इसका फट से। इसमें भी लगा दो फटाफट क्या करना है करा एच इक्वल ट्वेल्व एल इक्वल थर्टीन ना इसमें भी ऐसे कुछ करना है इसमें आर नहीं दिया है आप पहले उसको बना लोगे क्या फिगर को ऐसे बना लो समझना यहाँ पर मेरे भाई प्यार से समझना ये शंकुआकार कार है तो हम इसे इसमें शंकु बनाएंगे एक टोपी वाला ये इसमें हमें ये आर नहीं दिया है ये आर हमें फाइंड करना है इसकी हाइट ये ट्वेल्व दिया है और ये थर्टीन दिया है आप ये बताओ अगर ये कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है देखो यहाँ पे नब्बे बन रहा बीच में तो हमें नीचे का बेस निकालना है ना तो बेस निकालने के लिए आप सबको पता है पाइथागोरस परमीय से शार्ट सूत्र लगाओगे ये आपका हो जाएगा यल का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर बोलो होगा कि नहीं अगर हमें करण निकालना होता तो प्लस होता है ये सूत्र से आप निकाल लोगे पाइथागोरस परमीय पढ़े हो बचपन में बेटा ये 13 का स्क्वायर माइनस ये बारह का स्क्वायर आ रहा समझ में ये हो जाएगा तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर माइनस बारह बारह में एक सौ घटाओगे ट्वेंटी फाइव आएगा पांच हाँ ट्वेंटी फाइव आएगा अंडर रूट में कुल मिला करके अगर हम कहें तो आर बराबर कितना आएगा पांच आएगा ये कह सकते हैं रेडियस कितना आया पांच अब लिखोगे वैल्यूम ऑफ विजल या फिर हिंदी में लिख लो संकुआ बर्तन की धारिता बराबर बराबरकार बर्तन की धारिता बराबर वैल्यूम ऑफ क्वानिकल विजल क्वानिकल विजल।, विजल तो मैं सी भी लिख दे रहा हूँ ठीक है शार्टकट में वन अपान थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये बैलूम का फार्मूला होता है सिंपल है रे बाबा रख दो वन अपान थ्री पाई पाई का मान रखना है भैया ये रखना है भैया आर का मान पाँच अभी अभी हमने बहुत मुश्किल से खोजा है यच का मान थर्टीन दिया है क्यों भाई गड़बड़ होगा गड़बड़ होगा कहाँ गड़बड़ होगा यच का मान ये ट्वेल्व दिया था थर्टीन नहीं दिया था यही तो है ना जागते रहो अब देखो इसमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन मुझे कुछ गड़बड़ जा रहा है दिस हमें। कुछ कटे कट बाईस का गुड़ा पच्चीस में पच्चीस का चार में तो पच्चीस का चार में करोगे मेरे भाई देखो पचम पच्चीस पच्चीस का चार में सौ हो जाएगा सौ का बाईस में गुड़ा करोगे ईमानदारी से बाईस सौ हो जाएगा नीचे सात ये Uh, क्या करोगे इसको अब कुछ न आंसर हो गया लेकिन लीटर में पूछा था क्या करोगे लीटर में पूछा था ये हो गया सेंटीमीटर आंसर अब लिखो लीटर बैलूम ऑफ क्वानिकल विजल इन लीटर इन लीटर ठीक है हिंदी वाले लिख लेंगे संकुआकार बर्तन की धारिता लीटर में कार बर्तन की धारिता लीटर में देखो मेरे भैया अगर कुछ भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आपको पता है क्या करोगे एक हजार से भाग देते हैं बेसिक मैथ आपको आ नहीं आती न, तो पी वी आर स्टडी में ज्वाइन कर लो एक हजार सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो एक लीटर के बराबर होता है जिस तरह से एक लीटर में एक हजार एम होता है वैसे ये भी होता है ठीक है तो अब क्या करोगे इसे भाई साहब इसे एक हजार से भाग करेंगे बाईस सौ बटा सात इसे क्या करेंगे एक हजार से भाग करेंगे ये तरीका है इसके देखो ये बटे में था ये नहीं था इसके नीचे वन छुपा लेते हैं अब बाहर का बाहर का का अंदर अंदर गुड़ा करते हैं ये तुम बचपन से ही जानते आए हो तो बाईस सौ गुड़ा एक हजार जीरो से जीरो कट गया। अब क्या हुआ आपका ये सात दाह सत्तर और ये बाईस पहले से दिया है इसको चेंज कर लो दस हमलों में बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है मुझे लग रहा है नहीं का एक वैसा बोल रहे हो देखो ना खतरनाक का एक आ रहा है से काट दो ग्यारह दुई से काट दो पांच ग्यारह बट्टा पैंतीस लीटर बस हो गया आंसर यही आंसर है इस तरह के आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ बेटा कोई डाउट है तो बता दो आप पढ़ रहे हैं कच्छा नौ के एन सी आर टी मैथ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट जल्दी करें लिख लीजिए नोट कर लीजिए और हाँ बहुत से बच्चे जुड़े हैं जो काफी हैरान है मैं उनका नाम एक बार ले लेता हूँ नाम कुछ इस तरह है जो भी बच्चे जुड़े हैं जैसे कि अंकित का कमेंट आ रहा है रोहित कुमार प्रजापति का कमेंट आ रहा है दीपक निषाद का कमेंट आ रहा है और बी एस यादव ठीक है पूनम कुमारी अंजलि साहू मोहित कुमार सौरभ देखो बेटा जो डेली जुड़ते हैं उनके नाम हम जरूर बोलते हैं ठीक है आप टेंशन मत लो आपके नाम बोले जाएंगे अभी मैं आपको नंबर दे दूंगा ऊपर स्क्रीन पर आप लोग उस पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फिर हम आपका डेली नाम बोलेंगे आगे बढ़े फिर ठीक है देखो बेटा पचास पचास रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का लग रहा है अभी अगर आप करना चाहें तो नीचे नंबर चला उस पर संपर्क करके कर सकते हैं फिर हम आपको व्हाट्सअप सारी क्लास भेजेंगे लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए रहोगे तभी बाकी यूट्यूब पर ऐसे देखते रहो कुछ नहीं लगने वाला है और अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया तब तो अच्छी बात है आपको पूरा क्लास मिला होगा सिस्टम से मजेदार है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्लास नाइन्थ एनसीआर मैथ एक्सरसाइज थर्टी पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर थर्ड हिंदी में आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना रहा हूं सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनिए uh, कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर द हाइट ऑफ अ इज सेंटीमीटर इफ इट्स बैलूम इज फिटीन सेवनटी सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस कहने का इनका मतलब यह है कि द हाइट ऑफ अ कॉन कौन मतलब होता शंकु इज सेंटीमीटर एक शंकु की ऊंचाई पंद्रह सेंटीमीटर है यदि इसका आयतन पंद्रह सो सत्तर सेंटीमीटर है तो इसके आधार का जो त्रिज्या है बेस है सॉरी रेडियस है उसे फाइंड करना है आइए देखो बहुत सिंपल है आप चाहो तो इसका फिगर भी इधर साइड में बना सकते हो ना चाहो तो ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बना लीजिए ये क्या है एक शंकु है इसकी हाइट दिया गया है कुछ 15 सेंटीमीटर दिया गया है इसका वॉल्यूम दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब ये रेडियस फाइंड करना है ठीक है देखो बहुत ही सिंपल है क्या करोगे आप सूत्र लगाओगे कौन सा वॉल्यूम ऑफ कौन? इधर साइड में लगा लो वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन? कौन? या फिर ऐसे लिख लो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो वन थर्ड पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन रेडियस हमें पता नहीं है हाइट फिफ्टीन दिया है तीन से काट दो पंद्रह एक चीज और इधर साइड में ये पंद्रह सौ सत्तर दिया है ये मत बोलना ठीक है चलिए सारे मान रखिए फटाफट क्वेश्चन स्क्रीन से हटाइए सारे मान पुट करिए आइए देखो मेरे भाई यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझने लायक है वो क्या है आप सात से अगर इनको काटना चाहो तो क्या ये कहीं कटेगा कुछ नहीं हम एक काम करेंगे आर स्क्वायर उधर छोड़ देंगे बाकी का चीज इधर ले आएंगे तो ये एक सौ दस हो जाएगा आप अगर देखो तो ना बाईस का गुड़ा होगा पांच में पांच दुना दस पांच दुना दस एक ग्यारह वो तो अपनी जगह है लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान दो बेटा इसमें पाई का पहलू कह रहा देने के लिए मतलब जो कहा है वही रखेंगे भाई कहा है बेमानी ना करो ये पाई का मान क्वेश्चन में देखो बोला है ये रखने के लिए ये जरूरी है इसके लिए तो पाई का मान हम यही रखेंगे फिर ठीक है तब तो इसमें कुछ लोचा हो जाएगा वो कहा होगा चले दीजिए आइए अब इधर साइड में तीन तो नीचे से कैंसिल हो गया ऊपर पांच और गुड़े में ये बच रहा है और आर स्क्वार बच रहा है इधर से ये सब इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे तो पंद्रह सौ सत्तर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव इक्वल आर का स्क्वायर आप देखो पाँच से ये कटेगा क्या हाँ कटेगा पाँच से काटो पाँच तीन पंद्रह पाँच एक कम पाँच पाँच चौबीस तीन सौ चौदह आएगा ऊपर भी देखो लगभग वही आया है सिर्फ डेसिमल में है आप इसे थोड़ा सा अडजस्ट करो एडजस्ट क्या करना है बहुत इजी है बहुत सिंपल है आपको पता चल गया होगा देखो मेरे भाई नीचे दो अंक पर दशमलव है अगर यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा दो तो जीरो बढ़ जाएगा तो नीचे का हम दशमलव हटा करके इसके बाद तीन सौ चौदह के बाद डबल जीरो लगा सकते हैं बोलो इसमें कोई डाउट नहीं ना ये आर का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ये आर का स्क्वायर है अब ये काट दीजिए तीन सौ चौदह से तीन सौ चौदह कट गया आपका सौ आएगा कुल मिला के ऊपर तो हंड्रेड इक्वल आर का स्क्वायर आप कह सकते हो कि दस बराबर आर इतना आपको आता है रेडियस आ गई आर सेंटीमीटर ये हो गया आंसर फाइनल ख़त्म दस सेंटीमीटर इधर साइज सेंटीमीटर नहीं लगाओगे यहाँ लगा सकते इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर तीन कोई डाउट है तो बता दो आगे बढ़ें इसी क्वेश्चन के साथ इसे हम खत्म करेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगा अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मिलते हैं फिर अगली क्लास में पंकज कुमार आपका कमेंट आ रहा है रविशंकर का कमेंट आ रहा है श्रद्धा सिंह कमेंट आ रहा है अनूप कुमार कमेंट आ रहा है रोहित शुक्ला रंजना तिवारी सबका कमेंट आ रहा है बेटा ठीक है परेशान ना रहो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो थैंक यू